हेलो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइमिंग। टाइमिंग मतलब कितने अभी टाइम हुआ है फ्रेंच में, वो हम बताएंगे कि फ्रेंच में उसे कैसे पढ़ते हैं। जैसे 1 बज रहा है तो हम 1 बजे को क्या बोलेंगे? 12 o'clock, 1 p.m., 2 p.m., 2 a.m., 1 a.m. ये हम जो भी होता है उसे हम फ्रेंच में बताएंगे कि कैसे पढ़ते हैं। और अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकोगे कि फ्रेंच में टाइमिंग कैसे बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दीर लेर, दीर लेर का मतलब होता है टू से टाइमिंग। और 2 तरीके से हमसे इंसान क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंच में कि क्या टाइम हुआ है। पहला है केलार ए तिल, केलार ए तिल, ठीक है। इसका मतलब है, केल का मतलब व्हाट, आर मीन्स टाइम, ए तिल मीन्स इज इट। और उसका आंसर हम इस तरीके से देंगे, इलेस, ठीक है। और यहाँ जो टाइम होगा वो आपको लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा जो तरीका है वो है इले केलार, इले केलार। इसका भी मतलब सेम है कि व्हाट टाइम। अब जो टाइम है वो हम 2 तरीके से बताते हैं, एक तो ऑफिशियल टाइम होता है और एक करेंट टाइम होता है। जो ऑफिशियल टाइम आप यहाँ देख रहे हो उसमें हम लेते हैं 1 to 24 आवर्स, मतलब दिन के 12 बजे के बाद हमारे 13, 14, 15 ऐसे आवर्स आते हैं, ठीक है। और लेकिन जो करेंट टाइम होता है उसमें 1 to 12 आवर्स होते हैं। दिन के 12 बजे के बाद बोलते हैं हम फिर से 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 हमारा फिर से स्टार्ट होता है, लेकिन वो पीएम वाला होता है। दिन के 12 से पहले एएम और दिन के 12 से बाद पीएम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 00 आवर्स को लेंगे। दिन सबसे पहले हम रात के 12 बजे से स्टार्ट करते हैं, जब 00 टाइम हो तो उसको हम बोलते हैं इलेस 0 आर, ठीक है। इट्स ए 0 आर, ठीक है। और जो करेंट टाइम है उसमें हम बोलेंगे इलेस मिनुई, मिनुई मीन्स मिडनाइट। इल का मतलब होता है इट और एस मीन्स इज, इट इज मिडनाइट, ओके। नेक्स्ट इज यहाँ लिखा है 1 आर 15, ठीक है। 1:15 तो ये दिन सुबह के जो 1:15 AM वाला टाइम है, ठीक है। तो उसे हम ऑफिशियल टाइम में बोलेंगे इल एस वीन आर काइंस, इल एस वीन आर काइंस मतलब इट्स ए क्वार्टर पास्ट। यहाँ पर जो मैंने काइंस बोला, काइंस मतलब होता है 15। आपको ये वीडियो देखने से पहले जो मैंने पहले वीडियोस में नंबर्स को फ्रेंच में कैसे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ये पढ़ाया है, तो आप वो देखिएगा, तब आपको हेल्प मिलेगी ये देखने में। क्योंकि यहाँ जितने भी हम टाइम पढ़ेंगे वो सब हमारा नंबर्स पे बेस्ड है और उन्हें हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं ये आपको आना चाहिए, तभी आप इसे पढ़ पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इल एस वीन आर काइंस, इसका मतलब है इल एस मतलब इट्स, वीन मतलब आर मीन्स, आर होता है HOUR, ठीक है, 1 आर, और काइंस मतलब 15। तो इसे हम बोलेंगे इट्स अ क्वार्टर पास्ट, ओके। और करेंट टाइम हमारा होगा इल एस वीन आर एथकार्थ, इसका भी मतलब है इट्स अ क्वार्टर पास्ट 1। जब आप ये आगे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा इन दोनों में क्लियर क्लियर डिफरेंस, ठीक है। आगे है 2:30, यहाँ लिखा है इसे हम ऑफिशियल टाइम में पढ़ेंगे इल एस दीज आर्स त्रांते। तो दीज आर्स मतलब 2 आवर्स और 30 को त्रांते बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स 2:30। और करेंट टाइम में हम इसे पढ़ेंगे इल एस दीज आर एट देमी, एट देमी मीन्स 30 होता है। और इसका इस पूरे का मतलब है इट्स 2.5 आवर्स। इस इन दोनों का मतलब है इट्स, दियस मतलब 2 होता है, आर्स मतलब आर, एंड ए देमी मतलब हाफ। नेक्स्ट टाइम यहाँ लिखा है 3 आर 45, हम ऑफिशियल टाइम में पढ़ेंगे इल एस थ्रोआ आर करांते साइंग, मतलब इट्स 3:45। इल एस मतलब इट्स, थ्रोआ मीन्स 3 आवर्स और करांते साइंग को होता है 45। करेंट टाइम में हम इसे पढ़ेंगे इल एस
थ्रोआ कार्ड्स, कार्ड्स मीन्स भी 15 होता है। यहाँ पर इसका मतलब था 315, और यहाँ पर हाँ, और 345 को हम हिंदी में पौने चार बोलते हैं ना, तो वो यहाँ पर है। उसे कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। एल एस कात्र आर्स, फोर आर्स, और मोइंस ले कात्र, 15 मिनट पीछे, ठीक है, 4 बजने में 15 मिनट की देरी है, जो हम बोलते हैं उसे हम इस तरीके से फ्रेंच में बोलते हैं। एल एस कात्रास मोइंस ले कात। आर्स में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा आर्स हैं, यहाँ 3 आर्स हैं, इसलिए हमने यहाँ आर्स बोला है, ठीक है। नेक्स्ट इज 6 आर 50। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इल एस सीज आर्स साइकॉन्ते, मतलब इट्स 6:50, 6 आर्स और 50, 6:50, 50 को हम बोलते हैं साइकॉन्ते। और इसे हम करेंट टाइम में कैसे पढ़ेंगे? इल एस सेप्ट आर्स मोइंस दीक्स, मोइंस दीक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा था कि मोइंस को हम यूज करते हैं रीच के लिए, और 7 बजने में 10 मिनट की देरी है। 8 आर 55, इसको हम ऑफिशियल टाइम में पढ़ेंगे। इल एस वीत आर्स साइकॉन्ते साइन, वीत मतलब होता है 8 आर्स, आर्स का मतलब आपको पता ही है, एंड साइकॉन्ते साइन मतलब 55, इट्स 8:55, ठीक है। और करेंट टाइम में हम इसे पढ़ेंगे इल एस ने फास मोइंस साइंग, मोइंस साइंग आपको पता ही है, मोइंस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि छोटा हुआ टाइम हम बता सकें। तो 9 बजने में 5 मिनट की देरी है। ने फास मतलब 9 आवर्स, और साइंग मतलब 5, ठीक है। फ्रेंड्स, जब हम 15 को यूज करते हैं तो हम मोइंस के साथ ले कार्थ का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों में हमने ले का यूज नहीं किया, वो सिर्फ स्पेशल केस है, कार्ड के साथ ही ले लगता है, ये आप याद रखना। अब यहाँ दिन के 12 बज गए हैं। अब इसे हम ऑफिशियल टाइम में क्या बोलेंगे? इल एस दूज आवर्स, दूज आवर्स मीन्स 12 आवर्स, इट्स 12 आवर्स। और इसे हम करेंट टाइम में पढ़ेंगे इल एस मिदी, इल एस मिदी मीन्स इट्स आफ्टरनून। अब यहाँ पर जो 16 और 15 लिखे हैं ये हैं दिन के 4 बज के 15 मिनट, ठीक है। लेकिन हम इसे जो ऑफिशियल टाइम है उसमें तो हम 16 और 15 ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो करंट टाइम होता है उसे उसमें हम इसे 4:15 पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा वो डिफरेंस करंट टाइम और ऑफिशियल टाइम में, ठीक है। तो ऑफिशियल टाइम में हम इसे पढ़ेंगे इल एस सीज आर्स काइंस, मतलब इट्स 16:15, ओके। और करेंट टाइम में हम इसे पढ़ेंगे इल एस कात्रास एत कात्र, एलेस कात्रास एत कात्र, 16:15 कितने होते हैं? 4:15, ठीक है। तो इसमें हमने वही लिखा है, यहाँ लिखे हैं 20 आर 30। 20 आर 30 को हम एज इट इज पढ़ेंगे ऑफिशियल टाइम में, तो ये होगा एल एस विंग तास त्रांते, विंग तास मीन्स 20 आर 30, ठीक है। और करेंट टाइम में हम इसे पढ़ेंगे एल एस वी तास ए दमी, मतलब वीत आवर्स मतलब 8 आवर्स, ए देमी मीन्स 30, यहाँ लिखा है 21 आवर 45। तो इसे हम पढ़ेंगे इल एस विंक्त एट एन नाज, विंक्त एट एन मतलब 21, 21 को हम विंक्त एट एन बोलते हैं, ठीक है। विंक्त एट एन आवर्स केरोंते साइन, केरोंते साइन मीन्स 45। और इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं इल एस विंग दीक्स आर्स मोइंस काइंस, मतलब 22 आवर्स होने में 15 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ मोइंस का यूज़ किया है, मोइंस मतलब बचे हुए हैं, और उसके कितने टाइम बचा हुआ है 22 आवर्स के लिए? काइंस, काइंस मतलब 15, ठीक है। सिमिलरली जब हम करेंट टाइम लिखते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे 21 आवर 45 को हम बोलते हैं 9 आवर 45, 9:45, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं इल एस नेफास त्रोवा कार्ट, त्रोवा कार्ट क्यों? क्योंकि इसमें 3:15, 3:15 है, इसलिए त्रोवा कात्र आया है, त्रोवा कात।
और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इल एस दीज आर्स मोइंस ले कार्ट, 10 बजने में 15 मिनट की देरी है। यहाँ पर हमने ले कार्ट का यूज किया है मोइंस के साथ, ठीक है, ये या आप याद रखिएगा। सिर्फ कार्ट के साथ ही ले आता है, बाकी किसी के साथ ले नहीं आता। नेक्स्ट वन इज 22 आर 50, इसको हम पढ़ेंगे इल एस विंग दीज आर्स साइकॉन्ते, इट्स 22:15 आवर्स। और एक और तरीका है, हम इसे लिख सकते हैं एल एस विंग थ्रोआ आज मोइंस डिंग्स, विंग थ्रोआ मीन्स 23, ठीक है, 23 आवर्स, और मोइंस डिंग्स मीन्स 23 आवर्स होने में 10 मिनट की देरी है। सिमिलरली हम इसे करेंट टाइम में पढ़ेंगे एल एस ओन्स आर मोइंस डिंग्स, ओन्स कितने होते हैं 11, एल एस ओन्स आर्स इट्स 11 आर, और 11 आर बजने में कितने टाइम की देरी है 10 मिनट की, क्योंकि ये पूरा है हमारा 10:50। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 बजने में 10 मिनट की देरी है। और एक और तरीका है एल एस दीग्स आर्स साइकॉन्ते, मतलब 10:50, ठीक है, यहाँ लिखा है 23 आर 55, उसे कैसे पढ़ते देखते हैं। इल एस विंग थ्रोआ, विंग थ्रोआ मीन्स 23 आवर्स, साइकॉन्ते साइन 55। और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 24 आवर्स में 5 मिनट की देरी है, तो इसे हम पढ़ेंगे इल एस विंग कात्र 24 आवर्स मोइंस साइन, 24 आवर्स में 5 मिनट्स की देरी है, ठीक है। और करेंट टाइम में हम इसे पढ़ेंगे इल एस ओन्स आर्स साइकॉन्ते साइन, ओन्स आर्स कितने होते हैं 11 आर्स, और साइकॉन्ते साइन मीन्स 55। और इसे लिखने का एक और तरीका है इल एस मिनुई मोन्स साइन, मतलब अब हम जब रात के 12 बजे में जा रहे हैं तो मिडनाइट होने में 5 मिनट की देरी है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके से टाइम बताया है, ऑफिशियल और करेंट, तो अब आप एबल हैं किसी को भी फ्रेंच में टाइम बताने के लिए। हाँ, इसके पहले आप नंबर्स को क्या बोलते हैं फ्रेंच में ये जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।